हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल दुनिया हाउसवाइफ की। और आज मैं बोकारो टू रांची आपको सफ़र पे ले चल रही हूँ। चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और अभी हम लोग स्टेशन पे आकर बैठे हुए हैं और कर्मचारी सभी भाई सफाई में लगे हुए हैं। कितना साफ सुथरा स्टेशन है बोकारो का, बहुत अच्छा लगा देख करके। और हम लोग अपने ट्रेन का वेट कर रहे हैं और शाम के 4:30 करीब हो रहे हैं। हम लोग की ट्रेन 5 बजे आने वाली है और फाइनली हम लोग की ट्रेन आ चुकी है। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, सफ़र हमारी शुरू हो चुकी है। और सफ़र में तो बहुत मज़ा आता है और साथ में अगर 2-4 साथी हो तो और भी मज़ा आता है। तो चलिए हमारी यूट्यूब फैमिली, हम लोग सफर पे निकल पड़ते हैं और चलते हैं रांची। फाइनली हम लोग रांची पहुंच चुके हैं। और पूजा कहाँ गई? मैं पूजा को वॉच कर रही थी तो पूजा किचन में थी और पूजा हम लोग के लिए डिनर की तैयारी कर रही थी। डुडलो क्या कर रही है? डुडलो क्या कर रही है? क्या कर रही है? बोलो कुछ डुडलो। पानी पिएगी डुडलो। डुडलो अभी मौन व्रत रखी हुई है। पूजा क्या कर रही है? पूजा सरलेक्स बना रही है डुडलू के लिए। सरलेक्स बना रही है पूजा। इधर दूध भी गर्म हो रहा है, सब्जी बन रहा है। भी दिखा दो। देखिए क्या चीज का पूजा सब्जी बना रही है? आलू मटर का सब्जी बना रही है। किसको किसका आलू मटर पसंद है? सबको पसंद होगा, आई थिंक सबको पसंद होगा। और अभी नहा धो के सभी कोई पूजा कर रहे हैं और पूजा के साथ साथ डुडलू सबको टीका लगा रही है। टीका लगाओ, टीका लगाओ, टीका लगाओ। डुडलू का पूजा हो गया। हेलो एवरीवन, अभी मैं रांची में आई हूँ और रांची अभी घूमने के लिए हम लोग सबको निकल रहे हैं। और देखिए क्या क्या है, कहाँ कहाँ जाती है मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ मैं चलूँगी जरूर आप लोग को भी दिखाऊंगी। अभी हम लोग निकलते हैं। डुडलू कहाँ गए? सब कोई निकल रहे हैं रांची। पता नहीं पूजा कहाँ घुमाएगी, पूजा कहाँ कहाँ लेके जाएगी। पूजा के शहर में आए हैं, रांची में। रांची शहर नहीं है ना ऊपर, ठीक है? देखिए कितना सुंदर वहाँ। और हम लोग को ऑटो मिल गया, हम लोग ऑटो पे बैठ गए हैं, अब निकल पड़े हैं। कहाँ चलते हैं वो आप भी वीडियो में बने रहिए। और रास्ते में हमारी ऑटो पूरा हिल डोल कर सफर पे हम लोग को लेके निकल रही थी। और इतना ट्रैफिक होता है ना कि अगर आपका आधे घंटा का सफर है तो 1.5 घंटे में पूरा होगा। और फाइनली हम लोग चेकिंग करते हुए मंदिर के गेट तक पहुंच चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं पहाड़ी मंदिर। यहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है क्या? चलो आगे जा रही है तो सब कुछ। अब मंदिर पहुंचते ही पता चला कि माँ काली का जो मंदिर था उसका भी गेट बंद है भाई, और भोलेनाथ का जो मंदिर का गेट था वो भी बंद था।
तो मैं तो सोच रही थी थोड़ी देर के लिए जा, इतने दूर आने के बाद भी हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे क्या? लेकिन ऊपर भी एक मंदिर है, पहाड़ी मंदिर, जहाँ ऊपर भोलेनाथ विराजमान है। और चलिए, डुडलू भी चढ़ने की कोशिश कर रही थी और बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। चलिए देखते हैं कि कितनी सीढ़ियाँ हैं और हम लोग के सफ़र में, इस सीढ़ी चढ़ने के सफ़र में क्या क्या होता है हम लोग के साथ। तो बनिए रहिए, बहुत मज़ेदार है और भोलेनाथ का दर्शन और आशीर्वाद भी लेते हैं। ये है पहाड़ी मंदिर, हम लोग पहुंच चुके हैं और सभी कोई थक भी गए हैं, लेकिन देखिए रुके नहीं, लेकिन माँ की कृपा हुई तभी हम लोग पहुंचे। देखिए चलो, देखिए कैसे ला रही है, चलो करीब करीब 411 सीढ़ी चढ़कर हम लोग भोले बाबा के दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं ना, ये मनोकामना चूर्णी चढ़ाते हैं यहाँ पे, जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो अपना अपना चूर्णी बांध के जाते हैं। और अंदर भोलेनाथ का तो हम लोग पूजा कर लिए, अभी बाहर निकलते ही पंडित जी यहाँ टीका वीका लगाते हैं, तो हम लोग लगवा रहे हैं यहाँ पे टीका। और केवल सोनू लगाई टीका और मैं तो नहीं लगाई और डुडलू भी नहीं लगाई, लेकिन डुडलू के दिमाग में तो भाई चल रहा था कि मुझे क्यों नहीं टीका लगाया गया। तो फिर से हम लोग वापस गए और डुडलू को टीका लगवाए और फिर मैं भी पंडित जी से टीका लगवाई। अब बहुत अच्छा लगने लगा, सभी कोई हम लोग एक एक करके गए अंदर और पंडित जी से टीका लगवाए। तो ये डुडलू का ही कमाल था, जो उसके जिद से हम लोग अंदर वापस फिर से सीढ़ी से ऊपर गए और फिर से वापस टीका लगा करके आए हैं। देखिए अच्छा लग रहा, माथे पर ये टीकाकरण जो हुआ है बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह से टीका मैंने कभी नहीं लगवाया है, वहाँ जाकर ही मंदिर में मैं इस टाइप से टीका लगवाई हूँ और बहुत सुंदर लग रहा था। और मंदिर जो था गेंदे के फूलों से पूरा सजा हुआ, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देख करके। मैं तो पहली बार पहाड़ी मंदिर गई थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा दर्शन करके भोले बाबा का। जैसे हम लोग पार कर गए 400 सीढ़ियाँ, बहुत कलरफुल सीढ़ियाँ हैं और बहुत खूबसूरत मंदिर भी है। माँ हम सब पे कृपा बरसाए रखे और आप सब भी, आप सब पर भी। बाबा का मंदिर, बाबा बोलिए। और सभी देवता देवी भोलेनाथ माँ काली का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिलती। कभी भी आप रांची अगर आइए तो पहाड़ी मंदिर में आप अगर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आए थे तब तो भोले बाबा का पट और माँ काली का पट बंद था, लेकिन उतरते वक्त भोले बाबा का पट खुल चुका था, तो हम लोगों ने
उनका दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और आप लोग के लिए भी आशीर्वाद मांगे हमारी YouTube फैमिली जो है। और यहाँ पे माँ काली का जो मंदिर था उनका भी पट खुल गया था, उनका भी दर्शन हम लोगों ने किया, बहुत अच्छा लगा। भगवान सब पे कृपा बरसाए रखे। और जैसे ही बाहर निकले तो भगवान की कृपा बरस रही थी, यानी कि बादल गरज रहे थे, आंधी तूफान आए हुए थे, तो बहुत जोरों की बारिश आ गई थी। और डुडलू हम लोग के साथ में थी तो हम लोग थोड़ा सा चिंता में थे कि डुडलू भींग जाएगी, छोटी बच्ची है तो तबीयत ख़राब हो जाएगा। मेरा बाबू भी था तो सभी भींगने के चलते हम लोग खड़े हो गए रेस्टोरेंट में। देखिए और देखिए फाइनली देखती हूँ कि अगर बारिश कम होती है तो हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। तो फाइनली बारिश कम हुई और हम लोग अपने घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। और ऑटो कहीं मिलता है तो हम लोग ऑटो पे बैठ के और देखते हैं चलिए कि कहाँ हम लोग जाते हैं। और किसी तरह बारिश में बचते बचाते फाइनली हम लोग को ऑटो मिल ही गया। और लेकिन हम लोग कहाँ फंसे, बारिश से लेकर के हम लोग फंस गए हैं ट्रैफिक में। तो ट्रैफिक काफ़ी थी, रांची में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो हम लोग वहाँ फंस गए हैं। और देखते हैं घर कब पहुँचते हैं, तो चलिए हम लोग घर पहुँच के मिलते हैं। सो फ्रेंड देखिए अब हम लोग सोने जा रहे हैं रांची में, हम जो मैं आई थी घूमने के लिए। अब देखिए सब कोई हम लोग अब सोने जा रहे हैं, बहुत मस्ती किए। गुड नाइट, मेरी मम्मी को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मैं भी चली और आप लोग भी सो जाइए। रात के करीब मैं एक बज रहा है। देखिए हमने खूब मस्ती किया कल, लेकिन मैं फिर से वापस चली जाऊंगी अपने अपने घर सभी। बाय एवरीवन, गुड नाइट। और नेक्स्ट डे हम लोग को अपने घर वापस बोकारो जाना था, तो हम लोग निकल पड़े हैं बोकारो जाने के लिए। फाइनली हम लोग बैठ गए ट्रेन में, हम लोग की ट्रेन मिल गई है। हम लोग की ट्रेन छूटने वाली थी ना, मिल गई ना, फाइनली हम लोग पहुँच गए। बाबू भी पहुँच गया, सब पहुँच गए, कोई छूटा नहीं ना। सोनू छूट गई क्या? सोनू छूट गई है। हम लोग फाइनली एंडिंग हैप्पी हुई। आई होप सो आज की वीडियो आप लोग को अगर पसंद आई होगी, ये सफ़र आप लोग को पसंद आया है बोकारो टू रांची, रांची टू बोकारो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।